What is agreement? What do you understand by agreement? Can you explain agreement? इस तरह का questions अगर आपके सामने आए तो आप इसका जवाब क्या देंगे, कैसे देंगे? Agreement शब्द सुनने के बाद आपके मन में न जाने कितने तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे। Agreement क्या है? Agreement अगर नॉर्मली हम बात करें तो ये लगता है कि एग्रीमेंट यानी कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं जो किसी निश्चित कार्य के लिए, किसी पार्टिकुलर कार्य के लिए क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है और दो लोगों में कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी, कुछ एग्रीमेंट इस तरह का शो करता है। तो बहरहाल आज मैं बात करूंगा इसी एग्रीमेंट के ऊपर एक्चुअली कि क्या होता है, एक्चुअली इसका एग्रीमेंट का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका नेचर क्या है, हम इस एग्रीमेंट को समझेंगे। तो एग्रीमेंट की अगर बात, अगर क्वेश्चंस हमारे पास है, क्वेश्चन मुख्य क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीमेंट, तो हम ये कह सकते हैं एग्रीमेंट इट मींस करार। हिंदी में क्या समझेंगे इसको? करार। एग्रीमेंट को हिंदी में कहते हैं करार। तो ये करार जो है, एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, हिस्सा है। ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है या हम कह सकते हैं ये फर्स्ट सेक्शन या पहला चरण है। एग्रीमेंट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट का पहला चरण है। इसके बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, यह कंपनी एक्ट का रूल कहता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 अंग, ठीक है, इसके पहले दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं समझा है, कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उस चीज को चेक कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या है करार जो है, एग्रीमेंट क्या है, वह कॉन्ट्रैक्ट का पहला चरण है। अब इसमें क्या होगा कि करार के बिना संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है, यानी करार के बिना जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वह क्या है, अधूरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, क्या जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है। और एग्रीमेंट होता क्या, अब एग्रीमेंट के समाज चालित बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट को हम कह सकते हैं एक तरह का समझौता, एक तरह का ठहराव, एक तरह का आपसी रजामंदी, तो यह क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा। अब हम इसको परिभाषित करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करा है। ठीक है, वंस अगेन इसको हम समझेंगे, क्या हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। एंड नाउ इन इंग्लिश आप क्या कहेंगे, एवरी प्रोमिस एंड ए सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ओके, क्या कहेंगे, एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is an agreement। ठीक है, यह डेफिनेशन आपका हो गया। अब देखिए इस परिभाषा में एग्रीमेंट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें दो पॉइंट्स नहीं होंगे। क्या होंगे, दो पॉइंट नहीं होंगे, और वह दो पॉइंट क्या क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वह दो पॉइंट है, पहला है वचन इट मींस प्रॉमिस, और दूसरा क्या है, प्रतिफल इट मींस रिजल्ट। जब तक रिजल्ट और प्रॉमिस नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट क्या होगा, पूरा नहीं होगा। तो एग्रीमेंट पूरा होने के लिए, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का समझौता है। ठीक है, यह एक तरह का समझौता है जो कॉन्ट्रैक्ट का पहला चरण होता है, पहला पार्ट होता है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती है, पहला हम कहते हैं प्रॉमिस और दूसरा क्या होता है, रिजल्ट। इसके बगैर एग्रीमेंट कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 अंग कहती है। तो हमें यह अधिनियम भारत में हर जगह अप्लाई होता है।
और इवन अगर हम बाहर की बात करें तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इंटरनेशनल लॉ में, वहां भी कुछ इस तरह का ही प्राविधान है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।